हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11 ऑफ फिजिक्स, वर्क पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। सो आज आपको बिल्कुल जो आपने लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन और ये सब कुछ जो पढ़ा है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब हम लोग यूज करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, यूनिट नंबर 6। आई विल टेक यू इन लेक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आज हम इस नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। विल बी ट्राइंग टू बी मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट्स एंटर इन लेक्चर। यस, सो आवर टॉपिक टुडे इज वर्क और वर्क ऑफ द फोर्स। तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क अपने आप में ना, आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क, वर्क हैज नो मीनिंग, वर्क हैज नो मीनिंग अंटिल अनलेस यू टॉक अबाउट दैट वर्क ऑफ द फोर्स। किस फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं? वर्क अपने आप में कोई कंप्लीट वर्ड नहीं है। लाइक यू इफ यू से इट्स अ कंप्लीट वर्ड नहीं है, मींस पीपल से दिस इज अ नाउन, आई मीन दैट्स अ सेपरेट वर्ड, बट वर्क इज मीनिंगलेस विदाउट अ डूअर। तो डूअर इज अ मस्ट फॉर डूइंग वर्क, डूअर इज अ मस्ट फॉर डूइंग वर्क। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आप वर्क की बात करते हैं तो डूअर को आपको ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड डूअर मीन्स व्हाट? डूअर कैसे वर्क करेगा? फोर्स लगा के वर्क करेगा। इसलिए जब भी अगर कहीं पे आप बुक में कहीं पे भी आप वर्क पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में टाइटल क्या चलना चाहिए? ओके, वी हैव टू फाइंड वर्क, बट होम फॉर, आई मीन होम वर्क वी हैव टू फाइंड। सो दैट यू हैव टू लुक फॉर एंड दैट इज वर्क ऑफ द फोर्स, यानी कि उस फोर्स को ढूंढना होगा जिसका वर्क हमें कैलकुलेट करना पड़े। सो द टाइटल इज वर्क, बट वी विल लुक वर्क ऑफ द फोर्स। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेट फोर्स। आप बहुत गौर से समझिए क्या कहा जा रहा है। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका? द फोर्स। देखिए द के नीचे अंडरलाइन किया है, जिस फोर्स का वर्क डन की बात हो रही है, दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू। जब कोई बॉडी मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू सी आई टेक अ बॉडी हियर और इस बॉडी को मैं यहां से ऐसे मूव कराऊं, दिस इज अ बॉडी एंड आई अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, मैं इस पे फोर्स लगा लूं, सपोज लाइक दिस। सो दिस बॉडी इज मूविंग। सो इफ दिस बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेट्स सपोज दिस बॉडी हैज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ आ गई ये बॉडी, सो इट हैज मूव्ड। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बॉडी मूव की है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बॉडी ने, ये किसने मूव करा है? आपको अभी इस फोर्स ने मूव करा है। तो क्या सिर्फ एक ही फोर्स था जो इसको यहां से यहां तक लेके गया? वॉज ओनली वन फोर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस बॉडी मूव फ्रॉम हियर टू हियर? क्या इस पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा था? हो सकता है फ्रिक्शन हो, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा हो, एमजी भी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। तो आप अगर इस ये बॉडी ए से बी ट्रेवल करके जाती है, ए से बी ट्रेवल करके जाती है, तो उस केस में बहुत सारे फोर्सेस इस मोशन के दौरान इस बॉडी पे लग रहे होंगे। एमजी भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा एंड द फोर्स विच यू हैव अप्लाइड दैट इज आल्सो देयर। एंड इस केस में ये बॉडी ए से बी ट्रेवल कर गई, इट हैज ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, सो हाउ मच वर्क हैज बीन डन? सो वर्क किसका पूछ रहे हैं आप? इसका, या आप एमजी का वर्क पूछ रहे हैं? You are asking work of mg, or you are asking work of normal reaction, work of normal reaction kiska pooch rahe hain, ya work friction force ki baat kar rahe hain, kiski baat kar rahe hain? So agar aap ye fix karte hain ki bhai main iska work pooch raha hu, is force ka pooch raha hu, ya is friction ka pooch raha hu, ya is normal reaction ka pooch raha hu, ya is mg ka pooch raha hu, बॉडी ए टू मूव हुई, ए टू बी मूव हुई है, बट इसमें वो अलग बात है कि ये फोर्स यहाँ पे मेन रीजन बन रहा है इस बॉडी को यहां से यहां तक ले जाने के लिए, बट इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, एमजी भी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इस बॉडी को ए से बी तक ले जाने में। जो वर्क की बारी आएगी, वर्क पूछा जाएगा, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स ने अपोज किया होगा, इस फोर्स ने उसको यहां से यहां तक लेके गया होगा। तो इस पूरे मोशन के अंदर मोशन तो हुआ है, ए टू बी हुआ है,
और उस मोशन को कॉज करने वाला भाई ये एक्सटर्नल एजेंट था जो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया, बट इस बीच में इसने भी अपोज किया, ये भी चाह रहा था कि मैं इस बॉडी को नीचे लेके आऊं, लेकिन सरफेस ने उसको रोक दिया। तो इस पूरे एक्शन में यानी कि टू मेक दिस बॉडी मूव फ्रॉम हियर टू हियर वर्क किसने किया, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। इसलिए जब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो हम वर्क ऑफ द फोर्स करते हैं, लेकिन जब मोशन हो रहा होता है तो उस मोशन में बॉडी का जो मोशन होता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, दैट मोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नेट फोर्स। मोशन एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन किसके वजह से होता है, नेट फोर्स की वजह से होता है। और हम डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होता है, नेट फोर्स की वजह से होता है। और हम वर्क किसका निकालने की बात करें, हम किसी एक फोर्स की भी बात कर सकते हैं और नेट फोर्स की भी बात कर सकते हैं। सो इस पॉइंट को समझने के लिए समझने के बाद मैं यहाँ आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ कुछ ये दैट वर्क की बात करें, वर्क ऑफ द फोर्स की बात करें, तो इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किसका, नेट फोर्स की वजह से, और वर्क किसका, दैट पर्टिकुलर फोर्स का। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब वो फोर्स जिस फोर्स का वर्क निकालना चाह रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम लोग, ये डेफिनेशन कब अप्लाई होता है, ठीक है, जब वो फोर्स कांस्टेंट होगा तब। अगर वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो तब कैसे निकालेंगे, एफ डॉट डी एस व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क ऑफ द फोर्स क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेट फोर्स, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू मे एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू ओनली वन दिस फोर्स और मे बी ड्यू टू मेनी फोर्सेस, बट भाई हमें तो इस फोर्स का वर्क चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हम नेट फोर्स का लिख देंगे और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता ही है, वी विल बी फाइंडिंग लाइक दिस। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो एफ डॉट डी एस लगा करके और फिर हम उस वेरिएबल फोर्स के डी डब्ल्यू जो वर्क आया हर जगह पे ले जाकर उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इस तरीके से हम वर्क डन निकाल लेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट, दिस डेफिनेशन इज क्लियर। अब किसी के दिमाग में ये बात आए कि सर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, तो इट इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक ये कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये नॉलेज कहाँ से डेवलप की गई। तो इट्स सो सिंपल, लाइक अगर एक बंदे को कहा जाए ये सरफेस है और एक बंदा है यहाँ से, सपोज को लो फ्रिक्शन नहीं है, और किसी ने इसको बोला कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके और उसको 1 मीटर मूव कराया हूँ। सो यू नो एक कॉमन आदमी से बोले जाए, देखो ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को तुमको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ लेके जाना है। सो पूछा जाए किसने काम किया, तुमने, यस, कितना ट्रेवल कराया, 1 मीटर। सो ऑब्वियसली अब ये दो चीज है, 10 और 1, इनको प्लस तो नहीं किया जा सकता ना, चूंकि ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ना माइनस करने का कोई सेंस होगा, डिवाइड करेंगे तो वो बात नहीं होगी, अगर कोई कहा जाएगा ज्यादा दूर लेके जाओगे तो कम काम करना पड़ेगा, ये सेंस तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको करना ही पड़ेगा और तभी जाकर के ये कहोगे कि ओके मैंने ज्यादा काम किया। अब अगर यही बंदा इसको 2 मीटर लेके जाएगा तो कहेगा ना मैंने ज्यादा काम किया, 3 मीटर लेके गया तो ज्यादा काम किया, नहीं कि इनकी वर्क किस पे डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट पे। और अगर ज्यादा फोर्स लेके कराए लेके चलेगा तो कहेगा मैंने ज्यादा वर्क किया, इनकी उस फोर्स पे भी डिपेंड करता है, तो वर्क किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे। वर्क किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे। फिर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट लगा करके लाइक डब्ल्यू इज इक्वल टू लाइक के एफ का पावर ए और एस का पावर बी ऐसे करके, और डायमेंशनल एनालिसिस से हम चाहे तो ये फॉर्मूला निकालेंगे तो वो क्या आएगा, W = F * S आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंचे थे। तो कहोगे सर ये तो W = F * S लिखा हुआ है और आप तो पढ़ा रहे हो F.S, यानी कि आप तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे हो, दैट्स करेक्ट। हम उसकी बात कर लेंगे, पहले हम चलते हैं उस शेयर उस स्क्रीन पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। सो हियर वी आर सेइंग दैट ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इस पे और बात कर लेंगे जो अभी डिस्कशन कर रहे थे। अब इससे आगे चल के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस नाउ। सो वी आर सेइंग दैट लुक एट दिस हियर, ये एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, देयर इज अ सरफेस एंड इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, कैसी, 10 किलोग्राम, और उस 10 किलोग्राम पे आपने 30 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया और 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया, यानी कि सरफेस पे बॉडी रखी हुई थी, कोई बंदा ऐसे भी फोर्स लगा के खींच रहा था, कोई बंदा ऐसे भी फोर्स लगा के खींच रहा था, ये यहाँ से 30 न्यूटन है, ये यहाँ से 60 डिग्री है,
का जरा फाइंड वर्क ऑफ, किसका वर्क पूछा गया, 50 न्यूटन का वर्क बताओ, 30 न्यूटन का बताओ, नॉर्मल रिएक्शन का बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का बताओ, एमजी का बताओ एंड नेट फोर्स का बताओ, कितने से कितने टाइम में भाई, इन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 5। ये क्या लिखा हुआ, इन टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक 2 टी इज इक्वल टू 5, ये टी डबल हो गया, आप समझ सकते हैं। सो टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 5, 5 सेकंड में इन सारे फोर्सेस ने कितना कितना वर्क किया, ये सवाल है। तो ठीक है भाई, अगर ये सवाल है तो अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वर्क ऑफ द फोर्स निकाला कैसे जाता है, अब ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चे ने ट्राई किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब ये ट्राई पोर्शन को हम छोड़ के सीधा यहाँ आ जाते हैं। नाउ लुक एट दिस, हियर दिस इज अ क्वेश्चन ओवर हियर, आपके पास 50 था, ये 30 था, आपने लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है, आप इन सारे फोर्सेस को रिजर्व करिए, ये 50 न्यूटन, ये 30 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट कितना, 25 रूट 3, 50 का ये कंपोनेंट कितना हुआ, 50 साइन 30, दैट इज 25, फिर ये 30 न्यूटन है और ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 cos 60 यानी कि 50 न्यूटन यहाँ पे है और 30 साइन 60 दैट इज 15 रूट 3 यहाँ पे है। सो ये 50 और 30 को आपने रिजोल्व कर दिया, यहाँ पे क्या आया 15 और यहाँ आया 25 रूट 3, इधर क्या आया 25 और इधर 15 रूट 3 आ गया। अब इस 10 किलोग्राम की बॉडी है भाई, mg लग ही रहा होगा, 10g, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा म्यू एन। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर क्या हो गया 25 प्लस 9, नीचे कितना हो गया 10g प्लस 15 रूट 3, यस। सो दिस 10g इज व्हाट, 100। अब 100 में से 25 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 75, यानी कि 75 इसका इसका रिजल्ट हो गया और 15 रूट 3 नीचे है ही, तो 70 प्लस 15 रूट 3 डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो कि n से बैलेंस होगा, तो n इज इक्वल टू 75 प्लस 15 इनटू 1.73। तो आपने यहां पे क्या किया, इफ यू गो फर्दर यू आर फाइंडिंग कि ओके n की वैल्यूज निकाल ली, सॉल्व करने पे 100.95 ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा जी, 100.95 इनटू 0.2, चूंकि आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें कितना लिखा हुआ था, 0.2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 0.2 लिखा हुआ था, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, दैट इज 21 न्यूटन के करीब। अब 21 न्यूटन तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स चला आया, अब आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे आपके पास 21 न्यूटन इधर है, 15 इधर है, 25 रूट 3 इधर है और 25 ऊपर है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन के तो फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इधर इतना हो गया 25 रूट 3 प्लस 15 और इधर आ गया 21। अब आप नेट फोर्स अगर निकालने की बारी आई तो आप नेट फोर्स क्या करेंगे, 37.25, कैसे किया आपने, इट्स सो सिंपल, ये 15 था और इधर 21 था, सो 15 और 21 आपस में माइनस होकर के फिर भी 6 बचेगा, 25 रूट 3 में से आप वो 6 माइनस कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज 37.25, ये नेट फोर्स आ गया, ये कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, देखो 25 रूट 3 15 प्लस 25 रूट 3 माइनस 21 लाइक दिस, सॉल्व कर दिया जी, 25 इंटू 1.73, ये 25 इंटू 1 किया गया है, फिर 25 इंटू 0.7 किया गया है, ये फिर 27 इंटू 0.03 किया गया है, और फिर इन सबको सम कर 0.6 कर दिया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास सेफ नेट ऑर्ज। अब ये जो नेट फोर्स आया, इस नेट फोर्स को अगर हम बॉडी के मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स कैसे है, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन चलाया। अब हमें क्या पूछा गया कि हमें जिस फोर्स का वर्क डन निकालना है उस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है, लाइक नेट फोर्स दिख रहा है, नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स पूछा जाए, जो फोर्स जिस फोर्स का वर्क डन पूछा जाए उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। नेट फोर्स तो हमने निकाल दिया, तो भाई पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो वो तो टाइम कितना दे रखा था, 0 to 5 सेकंड दे रखा था, तो 0 to 5 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut plus half at square करेंगे आप, s is equal to ut plus half at square, u zero रखेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा ut plus half at square, ये देख रहे हैं 3.72 है, so 1/2 ये a है और t 5 का square, this ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अब ये डिस्प्लेसमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया किसके वजह से, नेट फोर्स के वजह से, और आप कौन से फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं, 50 न्यूटन का, सो 50 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है जी, तो ये आप देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था इसमें 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 50 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, 30 डिग्री ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 30 डिग्री का है, तो आपने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा दिया, cos 30 कर दिया। फिर 30 न्यूटन का पूछा, तो 30 इंटू अगेन डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 60 लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, सो भाई
नॉर्मल रिएक्शन की ये वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स के बीच डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए तो अगेन फ्रिक्शन फोर्स 21 है, ये रख दिया, और फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट कितने कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे है, तो कॉस 180 रखा है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट क्या आ गया, माइनस में आ गया इतना, ठीक है जी। अब आपसे कहा जा रहा है कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए आपको, तो एम जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, 90 डिग्री पे, सो एम जी इंटू एस इंटू कॉस 90 अगेन जीरो, और नेट फोर्स का वर्क पूछा जाए तो नेट फोर्स 37.25 है, और ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, तो इस तरीके से कॉस जीरो रख दिया, और यहाँ से सॉल्व करके वर्क ऑफ नेट फोर्स निकाल लिया। सो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि भाई ठीक है, अभी तक जिस जिस फोर्स का, जैसे यहाँ पे कोई भी फोर्स का वर्क डन पूछने के लिए कहा गया था, भाई इस फोर्स का वर्क बताओ, 50 वाला, 30 वाला, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, एम जी, नेट फोर्स, तो ड्यूरिंग द मोशन, यानी कि बॉडी जब 0 to 5 सेकंड तक ट्रेवल की, तो 5 सेकंड के बीच में सारे फोर्सेस कॉन्स्टेंटली लग रहे थे, तो सारे फोर्सेस कॉन्स्टेंटली लग रहे, तो हमने एफ डॉट एस का फॉर्मूले लगाया और उससे सारे के सारे निकाल लिए। अब आइडिया इज दैट कि अब अगर ये हमने निकाल लिए और देखा इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका लिया, नेट फोर्स की वजह से निकाला, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन हमें मिला और जिस फोर्स का वर्क निकालना है, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट करके हमने ये सारे आंसर निकाल दिए। नाउ वी हैव लर्न समथिंग, और उसको हम यहाँ पे नोट के फॉर्मेट जाएंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, फोर्स डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इनटू एस। वर्क होता क्या है, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर है। यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा भाई, ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट एंड मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, दैट इज न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल, दिस इज 10 to the power 7। हाउ डायमेंशन पूछा जाए, सो एमएलटी फोर्स का, आई मीन ये एमएलटी माइनस टू और ये एल, तो ये डायमेंशन आ गया एमएल स्क्वायर टी माइनस टू। अब जो बात सीख रहे हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क क्या आएगा, एफ डॉट एस कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। और अगर थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में हुआ, मतलब द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, 90 0 और 90 के बीच में, तब भी हमारा वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 पे तो आ ही रहा है, 0 और 90 के बीच के भी एंगल के लिए पॉजिटिव आ रहा है, और जैसे थीटा हमने 90 डिग्री किया तो हमारा ये वर्क क्या हो गया भाई, 90 डिग्री करने पे वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा 180 डिग्री किया, जैसे फ्रिक्शन के वर्क हमने निकाला है यहाँ पे, 180 डिग्री पे था, तो वो वर्क निगेटिव आया, सो दैट इज वर्क इज निगेटिव आएगा। और अगर एंगल 90 और 180 के बीच में है तो भी वर्क निगेटिव आएगा। अब इतनी बात तो सीख लिया, अगर कभी पॉजिटिव वर्क आए तो उसको हम लोग रियल वर्क कहते हैं पॉइंट नंबर 10 में, और अगर निगेटिव वर्क आए तो उसको वर्चुअल वर्क कहते हैं। और अगर भाई वर्क 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है, या तो फोर्स लगा ही नहीं है, और अगर लगा है तो उसने मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में मोशन होने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन का वर्क निकाला 0, एम जी का वर्क निकाला 0, बट एम जी और नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहे हैं, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इसके मोशन को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्स को 0 कर रहे हैं। सो दीज टू फोर्सेस आर डूइंग वॉट, बैलेंसिंग एक्ट, बट दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व आइदर इन ऑपोजिशन और इन फेवर ऑफ मोशन। जैसे फ्रिक्शन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन अपोजिंग, एंड दिस फोर्स कॉम्पोनेंट एंड दिस फोर्स कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट मूव। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी फोर्स का वर्क 0 आए, सो इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द बॉडी एंड इट मे नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड, इट हैज बीन यूज्ड इन बैलेंसिंग द बॉडी एंड श्योरली इट हैज नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग द बॉडी शिफ्ट in the direction body is moving, or it has not been used to oppose even. So किसी फोर्स का वर्क 0 होने का मतलब हमने ये समझा, या तो कि वो फोर्स था ही नहीं, एक, दूसरी बात कि वो फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दूसरी बात, तीसरी बात कि वो फोर्स से बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहा था, एंड इट वॉज नॉट नीदर कोऑपरेटिंग इन मोशन एंड नॉट अपोजिंग इन द मोशन। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज, तो 0 वर्क का आपने ये मतलब निकाल लिया, तो आपको ये रियल वर्चुअल एंड 0 वर्क का मतलब समझा दिया। अब यहाँ बताया जा रहा है रियल वर्क का मतलब द फोर्स हैज रियली कंट्रीब्यूटेड इन डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वर्क का मतलब द
force which oppose the motion and displacement, for example friction. And zero work का मतलब either balancing work किया है or no use in motion. तो ये आपने points पढ़ लिए. अब suppose कर लो ये force, अब जैसे अभी हमने एक point पढ़ा कि dW is equal to, यहाँ पे इस जगह पे जाएं, हमने dW is equal to F, look at this here, dW is equal to F dot ds लिखा है. अब suppose कर लो ये F अपने आप में sum है बहुत सारे forces का, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है. तो कीपिंग दैट इन माइंड दिस पॉइंट इज बीइंग मेड यू थॉट दैट डीएफ इज इक्वल टू एफ डॉट एफ नेट डॉट डीएस. अब भाई इसको खोला जाए तो एफ नेट क्या हो सकता है, बहुत सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हो सकता है लाइक दिस डीएस. यानी कि अब ये क्या किया, एफ वन डॉट डीएस, एफ टू डॉट डीएस, एफ थ्री डॉट डीएस, एफ फोर डॉट डीएस, इस तरीके से. इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे फोर्सेस अगर हैं भाई, नेट फोर्स ने इसको डिस्प्लेसमेंट कराया है, दैट नेट फोर्स इज सम ऑफ मेनी फोर्सेस. तो इन सारे फोर्सेस का वर्कडन आप इंडिविजुअली निकाल लो और सारे वर्कडन निकाल के सम कर दो तो आपको डी डब्ल्यू आ जाएगा. एंड अगर आप पूरा वर्कडन निकालना चाहते हो तो भाई जहां से जहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच में उसको इंटीग्रेट कर दो, ये निकल आएगा. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है 15 नंबर में. ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और एग्जाम्पल समझ लीजिए. कि जैसे देखो हम लोग ए डॉट बी पढ़ते थे, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, ए वन ए वन बी वन ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री आता था ना भाई, ए डॉट बी का ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट. तो अगर एस डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और फोर्स है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो डब्ल्यू अगर निकालोगे इस फोर्स का डब्ल्यू निकालोगे और ये डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू दिस फोर्स और नेट फोर्स, आई सेड इस फोर्स का वर्क निकालोगे और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, किसकी वजह से, या तो इस फोर्स की वजह से या नेट फोर्स की वजह से. मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है जिस पे ये फोर्स लग रहा है, एक लौता लग रहा है या इट इज वन ऑफ द फोर्स. तब उस केस में हमें तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो क्या हुआ जी, एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई जेड एफ जेड, ये निकाल दिया. एग्जाम्पल दिया, सपोज करो एक बॉडी को आपने ओ टू पी मूव करा दिया 2i plus 3j plus 4k और फोर्स कॉन्स्टेंटली आपने लगा 5i plus 2j minus 3k. तो अब वर्क डन क्या हो गया, 5 into 2 10, 3 into 2 6, 3 minus 3 into 4 12. ये सॉल्व होकर के क्या आ गया, 4 जूल आ गया. तो इस तरीके से ये आपने वर्क निकाल लिया. तो आपने यहाँ पे वर्क ऑफ द फोर्स पढ़ा है. अब हम लोग ये बात कर रहे थे, एक डिस्कशन हमने किया था जस्ट फॉर व्हाट. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे थे कि जो ये फॉर्मूला है W is equal to F dot, W is equal to F dot F into S का, कि ये बेसिक फॉर्मूला है. लेकिन सर यहाँ तो आप अजीब सी बात ले रहे हैं, आई मीन यू आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस. ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर ये सरफेस है, इस पे आप एक फिर से बॉडी बना दो. चलो जी एक बॉडी ले लेते हैं, राइट, और इसके ऊपर किसी बंदे ने फोर्स लगाया, लेट सपोज समथिंग लाइक दिस. तो ये फोर्स लगाया लेकिन इस फोर्स का नेट रिजल्ट क्या हुआ, ये फोर्स लगाया और भी फोर्सेस लग रहे थे, उन सबके लगने के बावजूद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर की तरफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस लाइक दिस. तो अगर ये फोर्स लगाने के वजह से डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है और ये ds कह दे या s वेक्टर कह दे और ये एंगल थीटा है, तो हमें भी पता है ना भाई कि ये पूरा का पूरा फोर्स जो है इस मोशन को करने में यूज नहीं हुआ है. अभी आपने देखा पीछे कि यहाँ पे आपने क्या किया था, कंपोनेंट लिया था f cos theta और f sin theta. तो why this, अगर आप फोर्स ऐसे लगा करके इधर ले जा रहे हो, यहाँ पे आपने देखा कि इस केस में आपने क्या किया, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा फोर्स जो है इस डिस्प्लेसमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व था. लेकिन जब फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस फोर्स का कितना पार्ट इसके डिस्प्लेसमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे f cos theta आया. f sin theta क्या कर रहा है सर, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और एक mg भी लगेगा. तो भाई f sin theta और नॉर्मल रिएक्शन मिल करके mg को बैलेंस करे, यानी कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट बैलेंसिंग में खर्च हो गया और दूसरा कंपोनेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है. तो एक्टिवली इन्वॉल्व वाला फोर्स क्या है, f cos theta है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसके वजह से, भाई s कह लिया. अच्छा अगर फ्रिक्शन होता तो हम कहते हैं f cos theta, मतलब ये इसको आगे लेके जा रहा है और वो पीछे लेके जा रहा है, तो इसका प्लस में निकालते हैं और उसका माइनस में निकालते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ये तो बिल्कुल सही है. हाँ अब अगर थोड़ा इसको जनरलाइज कर दिया, बोला कि अच्छा
जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा फोर्स उधर नहीं लगा के हम किसी और डायरेक्शन में लगाए तो लगा भाई, लगाया आपने तो उस फोर्स का एक हिस्सा एक कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो किस काम में आया, मोशन को सपोर्ट करने के लिए या पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, यानी कि मोशन में रोल प्ले किया। एंड द अनदर फोर्स हैज जस्ट डन व्हाट बैलेंसिंग इट, और बैलेंसिंग करने वाला जो होता है वो क्या होता है, उसका वर्क डन जीरो होता है, आपने देखा है ना। तो इसलिए एफ साइन थीटा का तो वर्क डन जीरो आ गया, एफ साइन थीटा का नॉर्मल रिएक्शन का एमजी का सबका जीरो आ जाएगा वर्क डन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो यहां से इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ाने का मतलब क्या है, तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट का जो जन्म हुआ है, डॉट प्रोडक्ट की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ाई जाती है वो क्या कहा जाता है कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाए, लाइक वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज यू आर सेइंग वेक्टर बी, और अगर आप इन दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ए डॉट बी का मतलब ही क्या होता है, ओके बी का मॉड और उसमें ए का वो कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना है जो बी के लॉन्ग है। सो व्हेन यू टेक दिस, यानी कि और ये इसकी क्या जरूरत पड़ी, यहीं पे जरूरत पड़ी हमें, ये इधर फोर्स लगा रहे थे इधर हो रहा था, तो ऐसे केस में हम फोर्स का एक कंपोनेंट ही की वजह से मोशन हो पा रहा होगा ना, कोई भी कॉमन आदमी समझ सकता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सिर्फ इस तरीके का प्रोडक्ट लेना होगा तो हम क्या कहेंगे, और ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा गया है, ताकि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से जितना भी डिग्री पे होगा वो खुद ही डॉट प्रोडक्ट अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको निकाल करके हमें दे देगा। इज दैट ओके नाउ? सो दिस इज व्हाई हमने इस वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन किया है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि भाई ओके डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास एफ डॉट एस आएगा, और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कब तक वेरी कब तक सही है, इफ इफ फोर्स इज जो फोर्स है इफ फोर्स इज कांस्टेंट, यानी कि इफ एफ वेक्टर इज अ कांस्टेंट तब जाके होगा। अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल फोर्स हो गया। तो अब वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ भाई, सपोज कर लो आई विल टेक यू टू द अनदर पेज, मान लो हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, अगर हमने ये सरफेस लिया, इस सरफेस के ऊपर हमने कोई बॉडी रख दी, और इसको बॉडी रखने के बाद सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बंदा है जो इसको पुल कर रहा है ऐसे, और वो बंदा ना मतलब इसको लेके दौड़ना चाहता है। सपोज कर लो समबडी इज टेकिंग अ, ये एक टायर है ठीक है ना, ऐसे लेते हैं, दिखाइए आपको भी ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, इसके लिए ये मैं काम करता हूँ। हमने इस तरीके का कोई मोटा सा टायर ले लिया, ये इस तरीके से ध्यान से देखना, ये इस तरीके का टायर कंसिडर कर लिया, और इसको कोई बांध करके, कोई इस तरीके से इसको बांध लिया, किसी ने इस तरीके से बांध लिया, अब बांध करके उसके बाद इसको स्ट्रेट अवे खींचता है कुछ इस तरीके से, ही इज पुलिंग। अब क्या हुआ कि वो पहले कम फोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगा के धीरे धीरे उसको खींचेगा, धीरे 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 धीरे, और फिर और अपना फोर्स बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा और बढ़ते जाएगा, वो अपना फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहा है, यानी कि पहले फोर्स लगाया 0 न्यूटन, पहले फोर्स लगाया 0 न्यूटन, पहले फोर्स लगाया 0 न्यूटन, फिर फोर्स लगाया भाई मूव नहीं किया 2 न्यूटन, मूव नहीं किया 10 न्यूटन, सपोज कर लो मूव करने लगा, यानी कि फ्रिक्शन का जो रोल था उसकी बात कर रहा था, 10 न्यूटन पे ये मूव करने लगा। अब क्या किया, 10 न्यूटन पे, फिर 15 न्यूटन पे, फिर 20 न्यूटन पे, 25 न्यूटन पे, हर बार वो अपना फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है और बढ़ा के दौड़ता जा रहा है। तो ही इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स अप्लाइंग, ही इज अप्लाइंग व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, ही इज अप्लाइंग अ वेरिएबल फोर्स। तो जब वो वेरिएबल फोर्स लगा के मूव करा रहा है, और सपोज कर लो एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर तक वो इसको लेके दौड़ा है, 1000 मीटर तक 1 किलोमीटर में, और 0 से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन पे मोशन स्टार्ट हुआ, और जब वो यहाँ पहुंचा है 1000 मीटर, सपोज कर लो 1000 मीटर से 200 मीटर पहले, यानी कि 800 मीटर तक वो कॉन्स्टेंटली फोर्स को बढ़ाता रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक उसका फोर्स, यानी कि 10 न्यूटन तो यहाँ पे था, और यहाँ पहुंचते पहुंचते सपोज कर लो उसने 500 न्यूटन फोर्स लगाया, और इसका मतलब 800 मीटर के अंदर 800 मीटर के अंदर, सो 800 मीटर के अंदर उसने अपने फोर्स को 10 न्यूटन से 50 न्यूटन तक, 500 न्यूटन तक अपना फोर्स को बढ़ा लिया, ही हैड डन लाइक दिस। तो अब इस केस में तो भाई उसके पास वेरिएबल फोर्स है, अब वी डोंट नो कि वो फोर्स किस तरीके से बढ़ाया है, क्या उसका फोर्स का
किस तरीके से उसका फोर्स रास्ते में बढ़ रहा था उसका फंक्शन हमें नहीं मालूम। अगर मालूम होगा तो हम लोग उस फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को का डॉट प्रोडक्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो उस केस में करेंगे क्या भाई, अच्छा मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है इससे थोड़ा देर मूव करा है, तो भाई ओके यहाँ वाला फोर्स एफ एफ वन हो गया, इसकी वजह से DS1 हो गया, फिर यहाँ पे उसने फोर्स F2 लगाया और यहाँ पे वो DS2 ट्रेवल कर गया। तो आप क्या करना चाह रहे हो, यानी कि आप यही कह रहे हो ना कि F1 DS1, फिर F2 DS2, फिर F3 DS3, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू ना। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डू, यानी कि सब जगह जगह, यानी कि जितना टाइम तक ये फोर्स, जितने डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स कॉन्स्टेंट रहा वो उतने के लिए लगा ला, फिर अगले डिस्प्लेसमेंट पोर्शन के लिए जो फोर्स लगा है वो निकाला, यानी कि जब तक कांस्टेंट है तब तक कैसे लगेगा, वेरिएबल है तो पहले ये फिर ये जहां जहां वेरिएबल होगा उसका सम लेकर के और कर देंगे। तो इंटीग्रेशन तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि भाई इंटीग्रेशन इसी काम में आता है। तो अब अगर हम वेरिएबल फोर्स का वर्कडन निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसका एक प्लॉट आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया और अब मैं आपको नोट्स पे लेके चल रहा हूँ, एंड आई लाइक दैट कि आप उस नोट्स पे देखें कि कैसे वेरिएबल फोर्स की वर्क की बात कही जा रही है। तो नाउ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमारे सामने है। लुक एट दिस, सपोज कर लो एफ जो है फोर्स है हमारा वो फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। सपोज कर लो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, तो आपने एक ग्राफ बना रखा है, आपने बोला ओके जब x x1 था तो आपने फोर्स लगाया यहाँ पे कुछ, और एक्स जब x2 हुआ तो आप पहले x x1 था तो आप के पोजीशन के अमाउंट के बराबर का फोर्स लगा रहे होंगे। एक मिनट, यहाँ जे एम लिखा हुआ है, और या ठीक है, जब x x1 था तो आपने फोर्स कितना लगाया, के न्यूटन के बराबर, और जब x x2 के बराबर हुआ तो आपका फोर्स कितना लगा, एल न्यूटन के बराबर। सपोज कर लो यहाँ से जब आप x डिस्टेंस थे उस टाइम पे आपके पास एक फोर्स था एफ, x1 पे कितना फोर्स था के, x2 पे कितना फोर्स था L, और जब यहाँ से x डिस्टेंस पे थे आप तो यहाँ पे आप फोर्स F लगा रहे थे, और सपोज कर लो उस फोर्स की वजह से सिर्फ dx आपने मूव किया तो वो कितना हुआ, F.dx, ये हुआ। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वैसे जैसे ये हुआ वैसे बड़े सारे स्ट्रिप होंगे, उन सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल करके सबको सम करोगे तो एरिया अंडर ग्राफ आ जाएगा, और वही एरिया अंडर ग्राफ हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो दिस इज व्हाट बीइंग सेड, नो इट इज W इज इक्वल टू ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका वर्क डन क्या हुआ, dW। इस dW को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां, J2M, यानी कि J2M बोले तो, यानी कि X1 जब था यानी वो पोजीशन क्या था, J, और जब आप पहुंचे X2 पे तो वो पोजीशन क्या हुआ, M। तो आपने J2M, अब यहाँ पे इस बच्चे से थोड़ी या सो J2M F.dx आपने कर लिया। अब यहाँ पे अगले पेज में ये एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD हुआ, F.dx ये एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD हुआ, और आपने ऐसे निकाल लिया। दूसरी बात आपको एक और समझा रहा हूं मैं कि जिस तरीके से हमने ये वर्क डन निकाला राइट, अगर इस ग्राफ को दूसरे तरीके से देखा जाए, लाइक फोर्स ऐसे प्लॉट किया गया, एक्स ऐसे प्लॉट किया गया है, अगर आप इसको इस पूरे पे ये जो ग्राफ बना हुआ उसको आप आई वुड लाइक टू से दैट सपोज कर लो ये एक्स ऐसे प्लॉट कर लो, एक्स ऐसे प्लॉट कर लो, और चलो ये बात बताना जरूरी नहीं है छोड़ देते मैं, ये चीज क्लासरूम में मैंने समझाया हुआ है बट अभी फिलहाल छोड़ देते, और यहाँ पे ये JK नहीं होगा, ये जैसे J2M है यहाँ पे आप इसको समझो J2M समझ लेना। आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट यू कि आप इसको J2M समझना बेटा, J2M समझे, नहीं तो ये कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। नई बात क्लासरूम में बड़ी सारी चीजें करने की एक छूट होती है, स्टूडेंट के आई टू आई कॉन्टेक्ट से बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट अभी फिलहाल इसको J2M समझो। सो एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेंगे। सो नाउ इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, तो भाई कांस्टेंट फोर्स के केस में अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये एक्स बढ़ता जाएगा, फोर्स ग्राफ कैसे आएगा। इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स करोगे तो भाई सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया ये फोर्स है और आप यहाँ से यहाँ चले गए और ये एक्स इज इक्वल X1 था, ये X2 था और कांस्टेंट फोर्स था, थ्रू आउट फोर्स एफ था, तो इस केस में एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकलेगा, सबका निकालोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, X2 - X1, और ये कितना हुआ फोर्स, तो यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो सीधा सीधा क्या हुआ, एफ इनटू X2 - X1 आ जाता है, और वो एफ X2 - X1 क्या आ जाता है, एफ इनटू ये X2 - X1 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस इज व्हाट इट हैज कम। तो वेरिएबल फोर्स के वर्क डन से हम कांस्टेंट फोर्स के भी वर्क डन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। लुक एट दिस हियर, अगर हम यहाँ पे थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें,
सो वी आर सेइंग कि अगर कांस्टेंट है तो कुछ ऐसा होएगा और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफएक्स आ जाएगा। अब मैं बच्चों आपके लिए ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू एफएक्स को हम के एक्स लिख लेते हैं, जैसा कि स्प्रिंग फोर्स के अंदर होता है, और स्प्रिंग आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, और अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ लेंगे। तो अगर आप स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, मतलब इसी लेक्चर में इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ा देना है बाद में। सो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज के एक्स है, ये स्प्रिंग फोर्स है। तो अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर फंक्शन ऐसा है तो भाई, अगर एग्जाम्पल लीजिए वेरिएबल फोर्स का, ये जो वेरिएबल फोर्स में आपने स्प्रिंग फोर्स का एग्जाम्पल लिया, और स्प्रिंग का फोर्स कैसा होता है, वो जितना एक स्प्रिंग को खींचेंगे उसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होएगा, या उस पे उसको उसको एक्सपैंड करने वाला है या उसको कॉम्प्रेस करने वाले का फोर्स उतना ज्यादा होगा। सो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स के एक्स लिखा हुआ है। सो वी आर सेइंग दैट कि ये स्प्रिंग फोर्स है, एंड इसमें साफ साफ पता चला कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड के इज फोर्स कॉन्स्टेंट। अगर इसको ग्राफिकली समझाया जाए, भाई जब जीरो था डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स कितना होगा, जीरो, और बढ़ाते बढ़ाते आप एक्स नॉट पे चले गए तो आपका एक्स नॉट पे चले गए तो फोर्स भी बढ़ते बढ़ते के एक्स नॉट हो गया। ये आपका ग्राफ बना, दिस पोर्शन हैज इज अ ग्राफ जिसमें से ये एक छोटा सा शेडेड स्ट्रिप लिया गया है। बोला यहाँ से एक्स पे थे जब, तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट पे आपके पास डीएक्स जब डिस्प्लेस करा है, यानी कि जब एक्स एक्स डिस्प्लेस थे, यानी कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स था या स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन एक्स था, तो आपका फोर्स कितना था, के एक्स के बराबर। और उस के एक्स के वजह से आपने डीएस डीएक्स एक्सटेंशन किया है, तो के एक्स डीएक्स क्या हो गया, वर्क हो गया, डीडब्ल्यू हो गया। और आप कह रहे हो जीरो से एक्स नॉट तक ले जाने में कितना खर्च होगा, तो भाई इसको इंटीग्रेट कर लो, तो जीरो टू डब्ल्यू मतलब जीरो टू, अब यहाँ पे डी डब्ल्यू को लिखोगे के एक्स डी एक्स, अब यहाँ एक्स डी एक्स लिखा हुआ तो लिमिट जीरो टू डब्ल्यू ना लेके यहाँ जीरो टू एक्स नॉट लिखना पड़ेगा। सॉल्व करोगे के एक्स के बाहर हो गया एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एक्स नॉट, तो इस तरीके से आपका स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकल के चला है। तो नाउ इफ यू लुक एट दिस हियर, तो आपके रिजल्ट आ गए k by 2 x not square minus 0, ये रिजल्ट आ गया। और हम इस काम को और कैसे निकाल सकते थे, सिर्फ एरिया अंडर ग्राफ निकालते, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा भाई, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस कितना हुआ 0 टू x not, x not ये कितना है सर kx not, सो kx not इनटू x not इनटू हाफ, सो हाफ इनटू kx not इनटू x not करोगे तो रिजल्ट क्या आ गया, हाफ kx not square। तो एरिया अंडर ग्राफ से भी आप निकाल सकते हो। अब एक दूसरा एग्जांपल दिया गया, सपोज करो f इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू bx प्लस x, एक ax स्क्वायर है, b और a कुछ कांस्टेंट है। अब फोर्स ऐसा आ गया, मतलब आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने की मास्टरी करनी है। सो इफ इट इज लाइक दिस, तो dw क्या हुआ, f डॉट dx, यानी कि भाई ठीक है फोर्स ये रख दिया into dx कर दिया। अब अगर आपसे कोई बोले इंटीग्रेट करो, तो आपने 0 टू w किया, यानी कि आप 0 टू x नॉट या x1 टू x2 जैसा लिमिट दे, x1 टू x2 जैसा लिमिट दे रखा हो, तो फिलहाल हम 0 टू x नॉट ले लिए, तो क्या किया ax स्क्वायर dx और फिर 0 टू x नॉट bx dx, सॉल्व कर दिया जी। आपको भी पता है कि x स्क्वायर dx का इंटीग्रल क्या होगा, x क्यूब बाय 3, और यहां x x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, लिमिट लगा दिया, आ गया जी एरिया, या तो आप एरिया अंडर ग्राफ से निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल फोर्स का वर्क पढ़ा है अभी तक। अब एक क्वेश्चन, वेरिएबल फोर्स का वर्क तो आपने सीखा है, अब वेरिएबल फोर्स का वर्क पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके सामने, आपको ग्रेविटेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है वो आप यहीं पे करके देखें, तो क्या मजा कर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप उस बात का उसको आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो सी यहाँ पे एक एम मास का कोई बॉडी लिया, लेट सपोज ये अर्थ है, एम मास की बॉडी है, ये इसका रेडियस है और ये अर्थ मान लिए, और यहाँ से ये जो या इसके सरफेस से ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 3r, दिस इज ये r लिखा हुआ बेटा, इसको h मत पढ़ना, 3r, यानी कि इसके सेंटर से एक दूर सरफेस अर्थ, ये तो r हो गया, यानी कि इसके अर्थ सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया 3r, और एक दूसरा पॉइंट a लिया जो इसके सेंटर से 5r के डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से ये 4r के डिस्टेंस पे। अर्थ किसी मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, यू ऑल नो दैट, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये आर जैसे जैसे बदलेगा फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये फोर्स कैसा हुआ, वेरिएबल फोर्स हुआ। तो अब फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टू ब्रिंग मास एम फ्रॉम 5r टू 3r, सवाल पूछ लिया गया।
तो क्या हम इसके लिए ग्रेविटेशन का इंतजार करेंगे? नहीं, वेरिएबल फोर्स है भाई, अभी हमने पढ़ा है, हम निकाल देंगे. सो लेट सपोज यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा, जिसमें इसमें आर क्या है, आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट, मैंने दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन होता है और दोनों के सेंटर्स के बीच का. तो ये छोटा सा मास है, इसका सेंटर तो पॉइंट मास वाली पोजिशन होगी, और इसका सेंटर ये ले लिया, तो इसके सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस आर है. ये फॉर्मूला. तो लेट सपोज ये मास पहले ए पे ना होकर के, या ए से बी, ये फोर्स उसको ए से बी लेके आ रहा है. इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया गया है. ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन एक और भी नई बात आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है. सो वी आर सेइंग दैट कि अगर इस बॉडी ने इस मास को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, लेट सपोज ड्यूरिंग द प्रोसेस वो ऑलरेडी दिस मास हैज कम टू दिस पॉइंट, तो अब उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा. और सपोज कल उस फोर्स ने, चूंकि हमें पता है वो फोर्स घड़ी घड़ी बदल रहा है, यानी हर पोजीशन पे बदल रहा है, लेकिन सपोज कल उस फोर्स ने उसको डी आर मूव करा, मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो यानी कि एफ डी आर कॉस थीटा लिखना चाहिए. लेकिन यहाँ डी आर इधर की तरफ है और फोर्स भी इधर की तरफ है, फोर्स भी किधर लग रहा है, इधर की तरफ, डी आर भी किधर है, इधर की तरफ. सो एफ डॉट डी आर कॉस थीटा, वेयर डी आर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम ड्यू टू एफ. और अब चूंकि फोर्स और डी आर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कॉस जीरो लग गया, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर डी आर, ये डी डब्ल्यू हो गया. अब इस डी डब्ल्यू को आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक लाने में, ए टू बी तक लाने में. और ए टू बी लाने का मतलब क्या करना भाई, ए टू बी लाने का मतलब क्या हुआ, फाइव आर जो पहले पोजिशन है वहां से आपको कहाँ जाना है, थ्री आर में. तो इनिशियल पोजिशन फाइव आर है और फाइनल पोजिशन क्या हुआ, थ्री आर में. तो अब आप उसको करने जा रहे हैं. So let's see here how you have enjoyed this. So by 5R to 3R karna hai, DW integrate karna, DW ka ye result ho gaya. To isme se G, M, M constant hai, bahar nikal gaya. 1 by R square DR aa gaya, 5R to 3R kar diya. To G, M, M bahar nikal diya aur 1 by R square ka DR ka integral kya hota, minus 1 by R. Ab ye integral aapko pata hi hoga, ab ye samjhane ki zarurat main nahi samajhta. Chalo pata nahi kyun mujhe aisa lag raha hai ki ek bar likh dena chahiye. So, ये 1 by r squared, 1 by r squared dr है, right? So, this is r का power minus 2 dr है. और आपने पढ़ा है कि x to the power n dx क्या होता है, n plus 1, x का power n plus 1 upon n plus 1, यानी कि r का power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. ये इंटीग्रल होगा जी, लिमिट रख देंगे इसका जो भी होगा. तो ये क्या हुआ, r का power minus 1, नीचे minus 1 आ गया. अब ये क्या बन गया, minus 1 by r आ गया ना, और फिर इसमें लिमिट रख दिया. तो ये मैंने समझा दिया. अब मैं इमिडिएटली इसको हटा भी देता हूँ ताकि मेरे लिए ये आगे पेज पे जाके समस्या पैदा ना करे. सो आई रिमूव इट ऑल्सो. सो दिस इज माइनस वन बाई आर, फाइव आर टू थ्री आर, फाइव आर टू थ्री आर. तो भाई पहले आपको अपर लिमिट रख दी आपने, माइनस वन बाई थ्री, फिर माइनस माइनस प्लस होकर वन बाई फाइव आर. अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चा, इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू फाइंड हियर, ओके दिस इज फाइव आर, ये 1 by 5R minus 1 by 3R कर लो, या इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो ये 3R और 5R का प्रोडक्ट आपने ले लिया, that is 15R square, ठीक है जी. और फिर ये क्या हो गया, minus 5R, और ये कितना हो गया, 3R सीधा. और अब ये क्या हुआ, minus 5R plus 3R is minus 2R by 15R square. आपका वर्क डन कैसा निकल गया, आपका वर्क डन आया GMM minus 2R by 15R square, minus 2GMM by 15R, एक R था यहाँ पे, एक काट दिया. Negative sign implies that there is a loss of potential energy. क्या बोला है? There is a loss of potential energy. ये potential energy का क्या मतलब है? Work done तो हमने निकाल दिया. Minus work हुआ जी. Minus work हुआ है. Work done negative हुआ है. तो तुम यहाँ पे कहोगे कि सर जो force actually एक dispute पैदा हो गया. एक dispute पैदा हो गया. क्या dispute पैदा हुआ? देखो कि जब force और displacement के बीच का angle 0 degree होता है तो work positive होता है. ऐसा ही पढ़ा हमने. और सर ये फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है और ये वर्क पॉजिटिव नहीं आया, वर्क नेगेटिव आया, ऐसा क्यों सर? बड़ा कमाल की बात है. आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने फोर्स लिया था वो कैसा फोर्स है. इस एग्जाम्पल में ये फोर्स देखो जी, जैसे जैसे आर घट रहा है, डिस्टेंस कहाँ से लेना है, डिस्टेंस लेना है सेंटर ऑफ द अर्थ से, वहां से डिस्टेंस ले रहे हैं. और वो ये आर है, तो जब ये r छोटा होता तो ये फोर्स क्या हो जाता, बढ़ जाता है. तो आप 5r, 5r से 3r आ रहे हैं, तो 5r से 3r की तरफ जब आ रहे हैं, 5r से 3r की तरफ जा रहे हैं, तो ये फोर्स क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है.
लेकिन आर क्या हो रहा है, डी आर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 5R से 3R आ रहे हैं, तो फोर्स तो बढ़ता जा रहा है लेकिन 5R से 3R बोला, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, बड़ा था, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या था, छोटा था। कहां से ले रहा था डिस्प्लेसमेंट, अर्थ के सेंटर से। सो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इनिशियल बड़ा डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट छोटा है, और उसमें फोर्स बढ़ता जा रहा था। तो इससे इस राज को समझने के लिए कि भाई ये वर्क निगेटिव जो हुआ ये क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, बड़े सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, फिर हम इसका प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। बट अभी मोटी बात यह है कि इसका इंटीग्रल कैसे हुआ 5R to 3R। अगर ये 3R to 5R लेके जाते तो ये वर्क कैसे आ जाता है, यानी कि जो बंदा खींच के लेके जाता है, भाई ये तो ग्रेविटी था, ग्रेविटी ने उसको पुल करके बुलाया ना 5R to 3R। लेकिन अगर कोई बंदा उसको 3R to 5R लेके जाता है तो उसको करना पड़ता है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सटर्नल फोर्स बन जाता है। उसका वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये नेचर ने खुद उसको खींच के लेके आया, कहां से, 5R to 3R। तो नेचर जब खुद काम करता है, ये बात सुन लो आप, ये आगे पढ़ेंगे हम, नेचर जब खुद काम करता है तो वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करता है। जब भी कोई नेचुरल फेनोमेनन होता है जो कि खुद बखुद हो रहा है, यानी कि बाहर से किसी एजेंट की वजह से नहीं हो रहा है, सम एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट डूइंग दैट। सो जब वो नेचर खुद काम करता है तो उस केस में वो क्या करेगा, वो ऐसे ऑपरेशंस का को अंजाम देगा जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी घटता हो, और डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी और लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती तो सिस्टम स्टेबल होता है। सो द नेचर इज वर्किंग। तो यहाँ माइनस साइन का मतलब है this work has been done by the Neutronium की kinetic energy increase होएगी, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। So I have made you understand। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई energy और natural force जब खुद work करेगा तो potential energy कम होगा, इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे इसी chapter के अंदर, right?